है कि एक प्राइम मिनिस्टर अगर ऐसा किसी देश को मिल जाए तो उसके तो वाड़े न्याड़े हो जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जिस घर से आते हैं वहां पर राजनीति का राह भी किसी को नहीं पता था। पाकिस्तान के मुसलमान हो या पाकिस्तान के मुसलमान हो, मुस्लिम कम्युनिटी में कभी भी ऑप्टिमिज्म पर बिलीव नहीं किया जाता है, हमेशा क्रिटिसिज्म पे ही। हम देखें तो हमारे ब्रादरान जितने भी ममालिक हैं, मुस्लिम देश हम बात करेंगे, वो सब तो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, रेड कार्पेट बिछा रहे हैं और उनको अपने मुल्क के अंदर खुद इन्वाइट करते हैं, जहाँ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स को नहीं बुलाया जाता वहां नरेंद्र मोदी को बुलाया जाता है। तो क्या वजूहात हैं जिसके बिना पर उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है? क्या वो पाकिस्तान के हक में बुरे साबित हो सकते थे? क्या डर था पाकिस्तान को इस वजह से? और दूसरी चीज जानना ये चाहती हूँ कि किस तरह से उन्होंने खुद को मतलब एक मैनेजमेंट के साथ लेकर चले, क्योंकि एक इंसान को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाए, इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल जाए और वो ये जानना शुरू कर दे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो कोई भी हो, उसको ये पता चल जाए कि यार आगे मजीद मेरे लिए मुश्किलात भर सकती हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज को नजरअंदाज करते हुए सब कुछ ठीक किया। और आज गुजरात की हालत हमारे सामने है कि वो कितना ज्यादा टेक्नोलॉजी डिजिटल हो गया है, तो इस चीज को किस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगी, किस तरह से डिफाइन करेंगी? अनम, मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ। देखिए, हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी में, चाहे वो हिंदुस्तान के मुसलमान हो या पाकिस्तान के मुसलमान हो, मुस्लिम कम्युनिटी में कभी भी ऑप्टिमिज्म पर बिलीव नहीं किया जाता है, हमेशा क्रिटिसिज्म पे ही बिलीव किया जाता है। लड़की अगर बहुत सुंदर है तो भी मुसलमान मर्दों को प्रॉब्लम है, लड़की अगर बहुत एजुकेटेड है मुसलमान लड़की तो भी मुसलमान मर्दों को प्रॉब्लम है, लड़की अगर बहुत वोकल है तो भी मुसलमान मर्दों को प्रॉब्लम है, मुसलमान लड़की अगर बहुत फिनेंशियली स्ट्रांग है तो भी मुसलमान मर्दों को प्रॉब्लम है, लड़की अगर बहुत गरीब और पसमानदा फैमिली की है तो भी मुसलमान मर्दों को प्रॉब्लम है, जहेज नहीं ले पाएंगे, लड़की अगर बहुत ज्यादा स्मार्ट है तो भी मुसलमान मर्दों को प्रॉब्लम है, लड़की अगर बहुत गंवार है तो भी मुसलमान मर्दों को प्रॉब्लम है। तो देखिए, ये इनके जो प्रॉब्लम्स हैं ये कभी ना खत्म होने वाले प्रॉब्लम है। अब उसकी दूसरी मिसाल मैं आपको बताऊंगी कि जब कुछ लोगों को ये समझ में आता है ना कि भाई एक ऐसा इंसान सामने आकर के बैठ गया है जो परफेक्ट है, तो उसके सामने जो जो कमतर है, जिसके जिसके अंदर बहुत सारी कमियां निकाली जा सकती हैं, वो क्या करता है, वो क्रिटिसाइज करना स्टार्ट करता है। अब इसमें भी दो तरह के अनम लोग होते हैं। अब मेरे बगल में अगर एंजेलिना जॉली आकर बैठ जाएगी तो मैं उससे कुछ सीखूंगी, मैं उसके उसके ड्रेसिंग सेंस को सीखूंगी, उसके बात करने के तरीके को सीखूंगी, उसके उसके ब्यूटी टिप्स को लेकर के मैं सीखूंगी। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये कह देते हैं, देखो कितना खराब कपड़ा पहनी है, देखो कितना रिवीलिंग कपड़ा पहनी है, अरे भाई वो फॉरेनर है, वो एक्टर है, ठीक है वो पहन सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आज हिंदुस्तान या पाकिस्तान के मुसलमान से लेकर के अपोजिशन हिंदुस्तान की पार्टियां सीखने के बजाय, किसी बात में कन्फ्रंटेशन करने के बजाय विरोधिता पर उतरी है। आज हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री डिफेंस को अगर चौथे पोजीशन पर लाए हैं तो इसमें विरोधिता की क्या बात हो सकती है। आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अगर इकोनॉमिक्स को पांचवें नंबर पर लेकर के आए हैं मात्र 9 साल में, तो इसमें विरोधिता की क्या बात हो सकती है। कल पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह जी ने कहा कि 376 में 3 क्लॉज लगा दिया जाए, रेप की सजा 10 साल से 20 साल बढ़ा दी जाए, तो इसमें विरोधिता की क्या बात हो सकती है। भारत के प्रधानमंत्री अगर कहते हैं कि लड़कियों को सशक्त होना चाहिए, एम्पावर होना चाहिए और लड़कियों को एडुकेट होना चाहिए, तो इसमें विरोधिता की तो कोई बात कहीं पर सामने नहीं आती है। आज अगर भारत के प्रधानमंत्री इस हिंदुस्तान में विदेशी मुल्कों के साथ ट्रेड कर रहे हैं, बायलैटरल रिलेशन बना रहे हैं, जिससे हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है, तो इसमें विरोधिता करने की तो कोई जरूरत ही नहीं महसूस होती है। आज अगर भारत के प्रधानमंत्री मदरसों के बच्चों के लिए कहते हैं कि उनको अकेडमिक क्वालिफिकेशन भी दे दो और दीनी तालीम भी पढ़ा दो, तो इसमें विरोधिता करने की तो कोई वजह ही नहीं होती है। तो आज 9 साल में हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने हर वो काम किया है जो लाजवाब है। इस 9 साल में हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने हर उन धर्मों को सम्मान दिया है जिसमें उनके सामने माथा टेकने का मन करता है मेरा, उनका आशीर्वाद लेने का मन करता है कि एक व्यक्ति है जो सारी नेगेटिविटीज को सुनता है लेकिन साइड कर देता है और लक्ष्य अपना सामने रखा है कि भाई हिंदुस्तान को मुझे इकोनॉमिकल 3rd पोजीशन पर लेकर आना है। तो क्या हिंदुस्तान के विरोधी दल के जो नेता है वो हिंदुस्तान को इकोनॉमिकल 3rd पोजीशन पर नहीं देखना चाहते हैं?
क्या महिलाओं को वो सिक्योर और सेफ नहीं देखना चाहते हैं? क्या जीडीपी हमारा 7.2% नहीं देखना चाहते हैं? क्या हमारे हमारे भारत की सेना को वो चौथे पोजीशन पर नहीं देखना चाहते हैं? तो अगर नहीं देखना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि वो एंटी नेशनल है। वो एंटी नेशनल हुए ना, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री हर वो काम कर रहे हैं जो भारत और भारतवासियों के पक्ष में हो रहा है, जो भारत और भारतवासियों के फेवर में हो रहा है, जो भारत को तरक्की की राह पर लेकर जा रहा है, जो भारत को पूरी दुनिया में सर्वप्रथम रख रहा है। अब ऐसे में अगर विरोधी दल और पाकिस्तान उनको क्रिटिसाइज करता है तो पाकिस्तान का तो छोड़िए, क्योंकि वो अजमल कसब भेजता है और अभी नहीं भेज पा रहा है, लेकिन भारत में रहने वाले अगर इसको क्रिटिसाइज करते हैं तो इसका मतलब है कि ये तरक्की करता हुआ फलता फूलता भारत उनकी आंखों में चुभ रहा है। कहीं ना कहीं वो अब 12 लाख करोड़ का जो घपला करके बैठे हैं, वो घपला करने का आगे वो घपला करने का उनको उनको जगह नहीं मिल रही है। दिस इज द रीजन कि ये क्रिटिसिज्म हो रहा है। बिल्कुल मैम, एक आखिरी और बहुत अहम सवाल है। हमने सुना है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो गरीबी है वो एक जाति है, एक जात है, तो इसको किस लफ्जों में आप बयान करेंगी कि उन्होंने ये क्यों कहा और इसके पीछे क्या रीजंस थी? क्योंकि इस मुहावरे की तो मुझे लगता है पाकिस्तानियों में किसी एक को भी नहीं समझ आएगी, क्योंकि अगर हम गरीबी की बात करें तो हर एक तो यहाँ रोना रो रहा है गरीबी का, और अब ये लफ्ज बोला गया कि गरीबी एक जाति है, तो इसका क्या मतलब था? किस तरह से इसको डिफाइन करेंगी आप? मैं मोदी जी की ही एक पोइट्री से आपको डिफाइन करूंगी। मोदी जी ने अपने स्पीच में कहा था कि दोस्तों माना, मोदी जी ने अपनी स्पीच में कहा था कि दोस्तों माना रात अंधेरी है और अंधेरा बना है, पर उस अंधेरे को खत्म करने के लिए क्या दिया जलाना मना है? हमारे भारत के प्रधानमंत्री एक ऐसे घर से आते हैं जिन्होंने अपनी आंखों में आंसू रख करके ये बात पूरी दुनिया के सामने कही थी कि घर की जरूरियात को पूरा करने के लिए उनके घर की माता बहनों को दूसरों के घरों में जाकर के बर्तन झाड़ू करना पड़ता था। ये उन्होंने खुद स्वीकार किया, जैसे आज मैंने स्वीकार किया है। जो सच है वो सच है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री एक ऐसे घर से आते हैं जहां रोटी की कदर की जाती थी, जहां लांटेन और दिया में बैठ करके पढ़ाई होती थी, जहां जमीन पर चटाई बिछा करके रात में सोना होता था, जहां सर्दियों में ये महसूस होता था कि काश मेरे पास एक कंबल और होता तो शरीर गर्म हो जाता, पर नहीं है। तो गरीबी को महसूस करने वाला एक गरीब ही हो सकता है, और जब एक गरीब व्यक्ति बहुत ऊंचाई पर पहुंच करके एक बड़े पद पर बैठता है तो वो उसका मार्गदर्शक होता है, उसका उसका गोल होता है कि भाई हम गरीबी को मिटाएंगे, हम गरीबी को खत्म करेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी स्पीच में ये बात कही थी कि गरीबी एक जाति है और एक्चुअली में है। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री इतने गरीब घर से आकर के भारत के प्रधानमंत्री बने और पूरे देश में प्रिय हुए। लोगों ने क्रिटिसाइज किया, लोगों ने मलाइन किया, लोगों ने मीम बनाया, लोगों ने ट्रोल किया, लेकिन आज वही ट्रोल करने वाले के मुंह पर तमाचा पड़ा है जब यही भारत का प्रधानमंत्री यूएस में जाकर के अंग्रेजी में स्पीच देते हैं और वहां के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ खड़े होकर के तालियां बजाते हैं। भूख की शिद्दत अनम एक गरीब को ही एहसास हो सकता है, छत की जरूरत एक गरीब ही बता सकता है, एकमात्र नौकरी का वैल्यू एक गरीब ही बता सकता है। हमने कई बार सुना है कि देखो मजदूर को मजदूर समझना चाहिए, मजबूर नहीं समझना चाहिए, गरीबों को काम दिया जाए, दान नहीं दिया जाए। तो अगर ऐसे स्लोगन का इस्तेमाल करके भारत के प्रधानमंत्री गरीबों को जागरूक करते हैं, गरीबों के अंदर एफर्ट डालते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो खुद गरीब है इसलिए वो गरीबों के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद भूख की शिद्दत को महसूस किया है, क्योंकि उन्होंने खुद सर्दी में एक और कंबल की शिद्दत रखी थी, एक और कंबल के बारे में सोचा था, तो इसलिए वो जानते हैं कि आज जो लोग गरीब हैं उनके लिए काम करना कितना जरूरी है। और यही वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री ने अपने 9 साल के कार्यकाल में बहुत सारी योजनाओं के तहत गरीबों के लिए काम किया है।
मजदूरों के लिए काम किया है, किसानों के लिए काम किया है, गरीब बेटियों के लिए काम किया है, एडुकेशन पे काम किया है. दिस इज द रीजन. आज अगर आप किसी भी सोशल साइट पर जाइएगा या किसी भी तरीके से जांच पड़ताल कीजिएगा, हमारे भारत के प्रधानमंत्री के इलेक्शन के एफिडेविट में देखिए, उनके पास कोई संपत्ति नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनको एक माँ थी, अब उनका भी देहांत हो चुका है, तो वो किस लोभ में और किसके लिए वो संपत्ति बनाएंगे. और क्योंकि शुरू से वो चाहते तो वो शादी कर सकते थे, वो चाहते तो घर बसा सकते थे, वो चाहते तो वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन जिस राष्ट्र के लिए, जिस भारत माता के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी को उसका समर्पण दिया है, अपनी जिंदगी को सुपुर्द कर दिया है भारत माता के लिए, ये तो उनके काम में और उनके लक्ष्य में देखा जा रहा है, साफ तरीके से देखा जा रहा है. डाउटफुल उंगली तो उठ ही नहीं सकती है. उनके एफिडेविट को उठा लीजिए, उनकी माँ के घर की घर के कागजात को उठा लीजिए, उनकी सारी चीजों को चेक कर लिया जाए. कौन सा ऐसा नेता है जिसका बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं है? आज अगर वो भारत के प्रधानमंत्री ना होंगे तो मुझे लगता है कि उनके पास अपनी पर्सनल गाड़ी भी नहीं होगी, वो भी सरकारी देकर रखेगा कि भाई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे. मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ऐसे व्यक्ति को 2024 तो क्या, मुझे तो लगता है कि 2050 तक जनता उन्हीं को चुन करके लेकर आएगी. 24 तो छोड़ दीजिए, 2050 तक जनता उनको चुन करके लेकर आएगी, क्योंकि सच में जनता के लिए काम हो रहा है, क्योंकि सच में भारत के लिए काम हो रहा है. और पहली बार ये एहसास होता है कि हम भारत की बेटी हैं, पहली बार ये एहसास होता है कि आजादी के अमृत को हमने टेस्ट किया है, हमने चखा है, पहली बार ये एहसास होता है कि हमारे देश की जो सेना है ना, वही हमारा रियल हीरो है, शाहरुख खान हमारा हीरो नहीं है. पहली बार ऐसा एहसास होता है कि भारत के प्रधानमंत्री हमसे बहुत दूर नहीं है, हमसे बहुत नजदीक है, हमसे कनेक्टेड है. मन की बात में हर हफ्ते हमसे बात करते हैं भाई, हम अपनी बातों को रख सकते हैं. कश्मीर की छोटी छोटी बच्चियों को यह एहसास है कि हम भारत के प्रधानमंत्री को अगर एक मेल भेजेंगे तो वो डायरेक्ट कॉल करके हमको हमसे बात करेंगे. तो दिस इज आवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. बिल्कुल ऐसे ही है मैम. इवन अभी मेरा यकीन करे दिल कर रहा है कि मैं खड़े होकर सल्यूट करूं, क्योंकि इस बात को मैं भी एग्री करती हूं कि कुछ टाइम, कुछ अरसा पहले एक लिस्ट निकली थी, उसके अंदर काफी प्राइम मिनिस्टर्स के खाने पीने का खर्चा और इस तरह की चीजें आई थी, तो जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का 0% खर्चा था, क्योंकि वो एक्सपेंस नहीं लगाते थे, वो बाजरे की रोटी और इस तरह की चीजों को प्रेफर करते थे खाने पीने में. बरक्स हम अपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें तो उनके तो टेबल्स बड़ी होती हैं, ऐसे ऐसे आलीशान खाने, उनके तो रोज के खर्चा ही इतना ज्यादा, पेट्रोल का खर्चा, इधर आने जाना, और प्रोटोकॉल सबसे बड़ी चीज होती है प्रोटोकॉल की, वो अभी किसी छोटे से छोटे बंदे ने भी गुजरना हो पूरी रोड्स को बंद कर दिया जाता है. बट एक वीडियो भी वायरल हुई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, जहां वो जा रहे थे तो उनका भी प्रोटोकॉल था, मगर एम्बुलेंस जा रही थी तो उन्होंने उस रोका और कहा कि एम्बुलेंस को गुजरने दो, लेकिन ऐसे यहाँ पर नहीं होता. तो मतलब इस चीज को सोच के तो मुझे काफी ज्यादा मतलब एक इमोशनल फीलिंग्स आ रही है कि एक प्राइम मिनिस्टर अगर ऐसा किसी देश को मिल जाए तो उसके तो वाड़े न्याड़े हो जाते हैं, और वो देश तो फिर मैं समझती हूँ कि वो कहता है कि बस सब कुछ चला जाए, लेकिन ये बंदा ना जाए हमारे हाथ से, ये बंदा इधर ही रह जाए. तो ये चीज है. तो मैं कहती हूँ हमेशा कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इज अ ब्लेसिंग फॉर इंडिया, इज अ ब्लेसिंग फॉर इंडिया. हम जिस फरिश्ते को के आने का इंतजार कर रहे थे बरसों से, वो फरिश्ता हमारे पास है. बिल्कुल, और मेरी दुआ है कि ये फरिश्ता अगर आप लोगों के हक में आप लोगों को बेहतर लगता है, और दुनिया की नजर में भी आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत बेहतरीन शख्सियत माने जा रहे हैं, तो ये फरिश्ता आप लोगों के लिए उम्र भर के लिए रह जाए और इसी तरह